नामपली रुकने असेंबली माजिद हुसैन ने नीलोफर अस्पताल के अतराफ वैकनाफ का पैदल दौरा कर छोटे कारोबारियों और अस्पताल रुजू होने वाले अफराद से बातचीत की और उन्हें दरपेश मसायल से वक्फियत हासिल की। बाद अजा मजलिस रुकन असेंबली ने ट्रैफिक पुलिस हुकाम और नीलोफर अस्पताल जिम्मेदारान से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया है कि वो छोटे कारोबारियों को हरासा ना करें और मरीजों को अहाते अस्पताल में पार्किंग की सहूलियात को यकीनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। करीबन मुझे 5 बजे ये इत्तला मिली थी कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नीलोफर हॉस्पिटल के सामने जो फुटपाथ पे जो लोग कारोबार करते हैं उनको निकाला जा रहा है। मैं फौजा और मैंने ट्रैफिक अहदेदारों से बात की। ट्रैफिक अहदेदारों का ये कहना था कि यहाँ पे एक कंप्लेन है, वो कंप्लेन की बुनियाद पे ये कर रहे हैं। तो मैंने भी उनको ये रिक्वेस्ट की कि ये कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत की ही हॉकर पॉलिसी है, जहाँ पर अगर कोई भी फुटपाथ पे गरीब बंडी वाला कोई कारोबार करता है तो यही पॉलिसी है कि उसको दूसरी जगह पे उसके कारोबार लगाते हुए फिर उसको निकाला जाए। और यहाँ पे हमने तफसीली दौरा किया, जो वाकई जो गैर कानूनी तौर पर हाल हाल में आए हैं, मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा है कि इनको हटा सकते हैं, जो मूवेबल है जो आए हैं, और जो दूसरे जो सालों से यहाँ कारोबार है और जिसका घर यहाँ के कारोबार से चलता है उनको हदबंदी कर दी गई और उनको एक लिमिटेड एरिया में उनको कारोबार करने के लिए कहा। और यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल का एक बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और ट्रैफिक के प्रॉब्लम को भी हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब के साथ मिलते हुए, यहाँ के मुकामी CI साहब से मिलते हुए, जो पेशेंट्स पार्किंग है वो नीलोफर हॉस्पिटल में ओपन कराने के लिए कहा। और एक जगह हमने देखी है मगर वहाँ पे ज्यादा गंदगी और झाड़ उगने की वजह से कल वहाँ पे JCP लगाकर वहाँ पे साफ सफाई की जाएगी और फिर यहाँ पे CI साहब की निगरानी में वहाँ पे पेशेंट पार्किंग का स्टार्ट किया जाएगा ताकि इस रोड पे और ट्रैफिक कंजेशन ना हो। ट्रैफिक पुलिस कुछ भी रहो, तुम बल्दिया का काम तुमको नतीजी करने वाले हो। तुम ट्रैफिक पुलिस है, बल्दिया है, तुम GHMC है, तुम कब से तोड़ना शुरू कर दिए? अब तुम भी चाहो तुम तांत्रिक दे दो, चाला ना दे, बुल्ला के तुम्हारे ट्रैफिक GHMC आगे तुम्हारे ट्रैफिक पुलिस समझ कौन सा फुटपाथ कहाँ बचा फुटपाथ हैदराबाद में क्या बात है? अरे कानून कुमार को जो रिटर्न सुनो जी सुनो यही साहब मैं जब आता हूँ ना दीवाना बन के नहीं आता हूँ मैं। कुमार को जो कंप्लेन है ये कंप्लेन है रिटर्न में गेट के सामने लगा रहे बोल के वहां की कमा कहीं को तोड़े तो कुमार को जो रिटर्न कंप्लेन है हॉस्पिटल से इतनी कंप्लेन है कि यहाँ पे हमारे गेट के सामने लगा दे रहे तुम पूरे हो कहीं को तोड़े तो कंप्लेन आई। अरे बैठ रहे उल्टे हाथ से बैठ यही सब गेट के सामने लगाए बोल के तो तुम वो कहीं को तोड़े कहा है? DCP साहब कहा है? हाँ तो ये DCP साहब को नहीं दिखा कंप्लेन ये था ये स्टॉल का है ये फुट का है ये सुबह में लगा रहे कंप्लेन है वो कहीं को तोड़े वो तो सालों से ना आप बड़े साहब सबसे बड़े साहब आपके सामने चले रहे आपके पूरे बड़े में से छोटे के MLA हो मैं प्रोटोकॉल है मेरे सामने बड़े से बड़े साहब आपको बोलो वो ही नहीं करते आपको कॉल वो ही नहीं करते मैं करता हूँ कॉल मेरे को कोई तकलीफ है तो मैं करता हूँ आपको कॉल मैं हूँ यहाँ कमाए आपको हम जिम्मेदार है हम बोलते वही बोले रहे वो